अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम जानवी खान है और मैं आज नए टॉपिक के साथ नागरिन आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू होता है कि नेगोशिएट जो पेपर है वो कैसे डाउनलोड किया जाए, या एग्ज़ाम पेपर जब आए पोर्टल पे तो कैसे पता लगता है और टाइमिंग वगैरह क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ईमेल आती है नेबोश की तरफ से, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आता है जो कि आपने चेंज करना होता है विद इन 10 to 15 days ईमेल के बाद, वो पेपर से पहले। ठीक है, 1-2 दिन पहले आप ज़रूर चेंज कर लें उस पासवर्ड को, नया पासवर्ड लगाएं और उसको याद रखें। ठीक है, ताकि पासवर्ड कहीं लिख लें ताकि आप कहीं भूलें नहीं पासवर्ड को। और उसके बाद जब आप पोर्टल पे एक्सेस कर लेते हैं तो ये वेबसाइट है। ठीक है, ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, ठीक है, learning.nebosh.org.uk, उस पर आप आके लॉग इन करते हैं। लॉग इन पर यूज़र नेम वगैरह और पासवर्ड इंटर करते हैं तो आपका ये सेक्शन ओपन होता है। इस सेक्शन में आपको गाइड कर रहा है नेबोश कि जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो आप कैसे जो है एग्ज़ामिनेशन अटेम्प्ट करेंगे या कैसे पेपर अपना डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो हम इस पर नेक्स्ट पे जाएंगे जिससे आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, कि वो बता रहे हैं जो सेक्शन है जुलाई वाला, ठीक है, ये यहाँ से पेपर डाउनलोड होगा। ठीक है, ये आप जब नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि दिस ब्लॉग जो है एक्सेसिबिलिटी वाला जो है अलाउ यू चेंज द टेक्स्ट साइज एंड कलर ऑफ दी साइट फॉर एक्सेसिबिलिटी पर्पसेस। ठीक है, ये सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट के लिए, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है जो आप आखिर में नेम वगैरह लेते हैं पेपर सबमिट करने से पहले, तो उसका आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी ब्लॉग से। ठीक है ना, ये टच हुआ। अच्छा, जैसे एक और ये कहते हैं कि जब आप यूज़ ना कर रहे हो ये प्लेटफॉर्म तो आप लॉग आउट कर दिए करें, और ड्रॉप जो है लास्ट पे होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लॉग आउट का ऑप्शन दिया हुआ है आपके नेम के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं, मतलब कि ख़त्म कर सकते हैं या आप इस पेज को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट जब भी कोई करेगा तो ऐसे पेपर होगा। फिर आप इस लॉग क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये स्टूडेट होता है, तो यहाँ पे ये टाइम आ गया। जनरल इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है एग्ज़ाम के अगेंस्ट, ठीक है, तो वो टेक्निकल जनरल गाइड होती है ये कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपको बताती है कि आपने पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, उसमें प्लेजरिज्म कैसे होता है या और डिटेल वाइज एक चीज़ें, ये भी जैसे खुल रही है। ये डाउनलोड हो गई, उसके बाद एम्प्लोअर कर दें। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पेपर है और ये सबमिशन का है। ठीक है ना, ये डाउनलोड करने के बाद ही आता है यहाँ पे, अनाउंसमेंट्स आ रही होती हैं। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे लर्निंग गाइड पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अपडेट होती रहती है, तो उसमें आपको जो चीज़ें तो वो पता लग जाती है, और टेक्निकल जो गाइडलाइन है नेबोश की तरफ से स्टूडेंट्स के हवाले से वो आपको उस पर मसर होती हैं, उसको ज़रूर पढ़ें। इसके बगैर पढ़े जो है वो अटेंड ना करें, ये बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड में नहीं है होती हैं, आपके जो जहन में सवाल होते हैं वो ये टेक्निकल गाइड जो है पी एग्ज़ाम की वो आपको क्लियर कर देती है। ठीक है, तो उस पर भी मैं सारा एक वीडियो बना दूंगा एकदम नंबर टॉप पर। तो एग्ज़ामिनेशन पेपर पे हम क्लिक करते हैं तो एग्ज़ामिनेशन पेपर ओपन हो जाता है। ठीक है, ये आप एग्ज़ामिनेशन पेपर जो है ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पेपर आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे आ गया है कि अभी 22:37 रहते हैं क्योंकि ये 3 बजे पेपर आया है पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, तो ये 3 बजे स्टार्ट हुआ है, तो ये 3 बजे तक जाएगा। यहाँ पे आप खोल के टाइम भी चेक कर सकते हैं वक्तन को वक्तन के भाई कितना टाइम मेरे पेपर करेगी। ठीक है ना, आप इसकी यहाँ क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड है, उससे पेपर भी डाउनलोड करें। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड हो गया, यहाँ से शीट डाउनलोड हो गई। अच्छा, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं किसी दूसरे की वहाँ से शीट जो उसने डाउनलोड की होती है वो भेज रहे होते हैं, काइंडली ऐसा ना करें, वहाँ से शीट डाउनलोड करें, इसी पर आप सबमिट करें अपना पेपर, और किसी दूसरे की भेजी हुई शीट पर अपना पेपर ना करें, तो इसमें प्लेजरिज्म मानने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि हर आईपी एड्रेस जो है आपका ट्रेस हो रहा होता है प्लेजरिज्म जो है इंटरनेट के थ्रू, तो बरए मेहरबानी ऐसी गलती ना करें। ठीक है,
जिससे आपको बाद नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, अब आपके दोनों पेपर डाउनलोड हो गए हैं। ये जब आप फोल्डर में जाएंगे तो आप पोस्टर पेपर भी डाउनलोड हो गया है और याद रसीद भी डाउनलोड हो गई है। यहाँ से आप ओपन करेंगे, इसको एक जगह सेव कर लें, ऐसी जगह आप एक फोल्डर बना लें जो उस पर सेपरेट हो, उसी पर काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको ये समझ आ गई होगी कि पोस्टर पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है और उसका क्या तरीकेकार है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई इशू आए तो ये वीडियो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। और लॉगिन करने का बहुत आसान तरीका है, जैसे मैंने बताया कि आपको यूज़र नेम दिया जाता है, वो नंबर होता है। ठीक है, तो आपका पूरा रिकॉर्ड उसी यूज़र नेम पे मेंटेन होता है। यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो आप चेंज करते हैं, वो लाजमी चेंज करना होता है। तो जब भी आपको ईमेल आ जाए नई वॉच की, उसके बाद आपने जो है वो पासवर्ड चेंज करना है। और पासवर्ड में भी कोशिश एक जो है वो कैपिटल लेटर होता है, बाकी एक जो है डैश हैश या इस तरह की जो अल्फाबेट्स हैं उनमें से होता है, और बाकी स्मॉल लेटर भी होते हैं। ठीक है, और मिनिमम 7 लेटर या 8 लेटर तक का पासवर्ड होना चाहिए। तो ये हमेशा कोशिश करें जब भी आप पासवर्ड टाइप करें तो उसमें सीधा भी ख्याल रखें। और पासवर्ड जो है वो जो रिपीट पासवर्ड होता है उसमें भी पासवर्ड ऐसे करें ताकि वो मैच हो सके। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको प्रॉपर गाइड मिली होगी कि किस तरह डिपोज का पेपर ओपन करना है, और इसी तरह एक वीडियो में डिपोज का पेपर सबमिट कैसे करना है उस पर भी बनाऊंगी। ठीक है, ओके, चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।